पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज मुरादाबाद के दिल्ली रोड से सर्किट हाउस में मीडिया से बात की। उन्होंने ज्ञानव्यापी में हिंदू पक्ष को कोर्ट से पूजा करने की अनुमति के सवाल पर जवाब दिया कि देश के सभी नागरिकों को देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हम सबको धैर्य रखना चाहिए, जो भी न्यायालय का निर्णय होगा हम सब उसे स्वीकार करेंगे। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने पर भाजपा की तैयारियों का प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव के लिए पार्टी और संगठन तैयार रहता है। लोकसभा चुनाव के लिए भी संगठन स्तर पर हमारी पूरी तैयारी है और जब भी पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमारे यहाँ सभी देश के नागरिकों को देश की न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है और हम सबको धैर्य रखना चाहिए और जो भी न्यायालय का निर्णय हो हम सब लोग उसे स्वीकार करेंगे। सर, न्यायालय ने हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया है ज्ञानवापी मस्जिद में, तो एक बड़ी जीत मान रहे? मैं इस रूप में इसे देखता हूँ कि हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का अपने देश की न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है और हमें धैर्य रखना चाहिए, जो भी न्यायालय का निर्णय है हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा सर, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, भारतीय जनता पार्टी किस तैयारी में है, कब तक उम्मीद की जाए? हम लोग हमेशा लगातार एक चुनाव बीतने के बाद हमारी पूरी तैयारी अगले चुनाव को लेकर पूरी पार्टी संगठन का स्ट्रक्चर हमारा और हमारे सभी कार्यकर्ता लगातार चुनाव की तैयारी में रहते हैं। हम अपने संगठन स्तर पर पूरी तैयारी हमारी है और जब भी पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी हम मोदी जी के नेतृत्व में अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर अपना काम का पूरा लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा जी, एक सवाल था मेरा, सपा ने 94 साल के व्यक्ति को, मैं भरत साहब की बात कर रहा हूँ, फिर से कैंडिडेट बना दिया है, घोषित कर दिया, क्या कहेंगे 94 साल के व्यक्ति के लिए? अब इस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, ये तो अब बाकी जनता को निर्णय करना है। अखिलेश यादव की तरफ से अभी एक ट्वीट आया है, कार्यवाहक जो डीजीपी बनाए गए हैं प्रशांत कुमार, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार, अब जनता जो है ये पूछ रही कार्यवाहक ही क्यों दे रहे हैं, क्या साठगांठ है अपराधियों से या दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है? नहीं, ये सरकार की एक व्यवस्था है और अभी डीजीपी रिटायरमेंट हुए हैं, रिटायरमेंट हुआ उनका और सरकार ने किसी को कार्यभार ग्रहण किया है और मुझे विश्वास है जो भी उसकी प्रक्रिया होगी हम सब लोग मतलब सरकार उसे पूरा करेगी। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से फूट पड़ी हुई है उसकी हालत को देख करके क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप जिस प्रकार से, ये कोई वैचारिक इनका आपस में समन्वय नहीं है और कांग्रेस का गठबंधन के प्रति जो हमेशा उनका एक नजरिया रहा है, एक दृष्टिकोण रहा है, आप अगर देखेंगे उनका इतिहास भी तो हमेशा कांग्रेस की ने हमेशा गठबंधन में जो भी कोई सरकारें बनी, जो भी मिली जुली कभी सरकार बनने का अवसर आया तो हमेशा कांग्रेस ने उन सरकारों को बीच में ही गिराने का काम किया और ये लोग पिछले लगभग 10 वर्षों से गठबंधन में ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन कहाँ जाता है, ये लोग क्या करते हैं, तो ये केवल चुनावी गठबंधन है, चुनाव के लिए गठबंधन है, अपने परिवार को बचाने के लिए गठबंधन है और जो अनैतिक काम किए एक भाई भतीजे के आधार पर इन्होंने जो पूरा एक भ्रष्टाचार किया है उसको बचाने का गठबंधन है, लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता सब जानती है, मैं प्रदेश की जनता का, देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया है, इंडिया गठबंधन से दूरी बने? निश्चित रूप से मायावती जी प्रदेश की, देश की एक बड़ी नेता है और वो 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें अपने बारे में निर्णय करने का, उन्होंने सोच समझ के निर्णय किया होगा। अध्यक्ष जी, ईडी की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आप लोग देखते होंगे, अब जब लालू यादव जी जब पहली बार चारा घोटाले में गिरफ्तार हुए तो उस समय किसकी सरकार था? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों के खिलाफ, शिबू सोरेन जी के खिलाफ जिस प्रकार से मुकदमे दर्ज हुए, ये लोग जेल गए, तब किसकी सरकार थी? उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी है सर, यूपी को लेकर के क्या कहना है? ये इसका जवाब तो सरकार से जुड़े लोग बता सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड ने इसकी तैयारी की है, उन्होंने एक समिति बनाकर
इसकी रिपोर्ट उन्होंने कलेक्ट की है, उत्तर प्रदेश भी सरकार को निर्णय करना है। सर एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से बस यह है कि शांतनु ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने सीए को लेकर के एक बयान दिया था पश्चिम बंगाल से कि 7 दिन में लागू हो जाएगा, 3 दिन निकल चुके हैं, किस तरह से देखते हैं क्या? ये निर्णय सरकार को करना है और सरकार के लोग ही इस पर कुछ अधिकृत बातचीत कह सकते हैं। अध्यक्ष जी, जो सपा की लिस्ट जारी हुई है नॉमिनेशन उसके लिए, उसमें 3 परिवार के लोग हैं, क्या कहेंगे? 16 लोगों में 3 परिवार के लोग, निश्चित रूप से ये लोग परिवारवादी लोग हैं और ये हमारे देश के लिए सबसे घातक पक्ष, क्योंकि इन परिवारवादी दलों ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता में रखा है। देश के विकास के प्रति कहीं ये लोग गंभीर नहीं है, ये अपने परिवार को और अपनी विरासत को बचाने के लिए गंभीर। ठीक है, थैंक यू आपका बहुत। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।